नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया है। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। कोरोना महामारी के संग में लॉकडाउन की वजह से गरीबों का हाल बेहाल हो गया, खासकर उन गरीबों का जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे उन लोगों के लिए मसीहा बनकर उतरे हैं खगड़िया में जन अधिकार किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर यादव। लगातार उन लोगों के घरों तक राशन सामग्री पहुँचाए जा रहे हैं और लोगों के दुख और दर्द को बांटे जा रहे हैं। और वहीं जाप नेता मनोहर यादव क्या कुछ कर रहे हैं इन सब बातों को लेकर के जरा आप सुनिए। लॉकडाउन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, जो गरीब परिवार है जिसको सरकारी राशन से वंचित है या भूख से लड़ रहा है, वैसे लोगों को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सब तक राशन पहुंचे। और नगर पार्षद दीपक चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में सारे युवा शक्ति की टीम, आसिफ जी हैं, रोशन जी हैं, छात्र नेता जाप और श्री अमित जी हैं, सभी लोग के नेतृत्व में सभी लोग लगातार आम लोगों का दुख दर्द बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राशन सामग्री में क्या क्या चीज़ें हैं लोगों? इसमें चावल है, आटा है, 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, आलू है, दाल है, नमक है, यही सब है। लॉकडाउन को लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मैं लगातार अपील करते आया हूँ कि जो स्थिति है कोरोना महामारी के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है, उसमें कई ऐसे परिवार हैं जो भूख से भी जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे परिवार को सरकार तुरंत उसके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करे, उसको राशन पहुंचाने का काम करे, उसका जो जरूरत का सामग्री है उसे पहुंचाए। बिहार में लगातार पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से तो ये देखिए, संक्रमण, कोरोना तो संक्रमण की बीमारी है, एक दूसरे से फैलता है। तो जब चैन टूटेगा, लोग परहेज में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये टूटे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उससे रोका जा सकता है। तो लोग मिलने जुलने में या घूमने में इधर उधर ना जाएं, बिना काम के भी कुछ लोग टहलते रहते हैं, वैसे लोगों से अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं मनोहर कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी किसान प्रकोष्ठ बिहार।